भाई तुम कभी ना कभी इनमें तो बैठे ही होगे, ऑब्वियसली। अब भले ही ये इंडिया के सबसे चीपेस्ट और इजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पर फिर भी इंडियन रोड्स के लिए आज ये कैंसर बनते जा रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये ई रिक्शा डिवाइडर के बीच से निकलकर मेन रोड पर जा रहे हैं, जबकि इन डिवाइडर्स का काम ही है व्हीकल्स और पैदल लोगों को अलग करना। पर अपनी थिन बॉडी के चलते ये रोड के किसी भी कोने से निकल सकते हैं, चाहे वहाँ डिवाइडर ही क्यों ना हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर ही जयपुर में 18,000 ई रिक्शा खरीदे गए, जिनको चलाने के लिए ना तो किसी को ट्रेनिंग ही दी गई, ना ही किसी को इंस्ट्रक्शंस। अब दूसरे व्हीकल्स के लिए इंडिकेटर और ओवरटेक जैसे नियम होते हैं, वैसे इनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता और ये फॉलो भी नहीं करते। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।